सो नाओ विल टॉक अबाउट सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोप्लेजिक ड्रग्स सिंपैथोप्लेजिया का मतलब क्या होता है प्लेजिया होता है कि जैसे कोई पैरालिसिस कर देनी हम बोलते हैं ना क्वाड्राप्लेजिया हो गया पैराप्लेजिया हो गया प्लेजिया मतलब काम उसका रोक देना तो सिंपैथेटिक सिस्टम को हमने उसको पैरालाइज कर दिया हमने उसका काम रोक दिया कैसे किया सेंट्रली एक्टिंग कर कर सेंट्रली मतलब कि सीधा हमने ब्रेन के ऊपर इफेक्ट किया सी एन एस में जो सेंट्रल सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन होनी थी वो नहीं हो रही अब सबसे पहला जो ड्रग है जो हम इसमें यूज करेंगे दैट इज़ मिथाइल डोपा अब जो मिथाइल डोपा है ये एक प्रोड्रग है प्रोड्रग का मतलब ये होता है कि उस ड्रग को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा उसकी एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए कि वो ऐसे इसी फॉर्म में काम नहीं करेगा ड्रग को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है वो एक्टिवेशन होगी ब्रेन के अंदर ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज एरोमेटिक एसिड ये एंजाइम का फंक्शन है मिथाइल डोपा से अल्फा मिथाइल नोरपी ने बनाना नॉर्मली क्या होता है कि ये ड्रग नहीं है अगर कि जो डोपमिन है वो कन्वर्ट होता है नोरपी नेफरिन में लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है डोपामिन तो, के साथ मिथाइल लगा है सो दैट इज मिथाइल डोपा इज कन्वर्टिंग इन टू मिथाइल नॉरेपिनेफरिन यहाँ पे एम लगा दिया यहाँ पे एम लगा दिया मिथाइल डोपा इज कन्वर्टिंग इन मिथाइल एपी नेफ नोरपी नेफरिन ये कैसे एक्ट करती है ये एक्ट करती है एल्फ़ा एगोनिस्ट बनकर एगोनिस्ट का मतलब होता है कि वो उसको स्टिमुलेट कर रही है उसके फंक्शन को एंटागोनिस्ट होते हैं जो इनहिबिट करेंगे उस चीज़ के फंक्शन को एगोनिस्ट हैं जो उसके फ्रेंड्स हैं उसे प्रमोट करेंगे कि हाँ भाई तू कर ये काम अब ये जो अल्फा मिथाइल नोरपी नेफरिन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं विजाइकल्स में प्रेजेंट किसके न्यूरॉन्स के न्यूरोके में जिसमें वो क्या करते हैं नो रेपेफरिन की जगह ले लेते हैं नोरपिनेफरिन की जगह ये हमारा एल्फामिथाइन नोरेपिनेफ्रिन आएगा और वो अपना डिस्चार्ज करेगा इसका जो टी हाफ होता है वो होता है टू आवर्स का जो कि बढ़ जाता है जब रीनल फेलियर हो क्यों क्योंकि किडनी के थ्रू इसने निकलना होता है और इसलिए रीनल फेलियर के टाइम पे उसका जो टी हाफ है वो इंक्रीज हो गया होता है अब ये क्या करता क्या है ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा उसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर को कम कर देगा ये अल्फा इगोनिस्ट आया इसने अल्फा टू को स्टिमुलेट कर दिया अब अल्फा टू का फंक्शन नॉर्मली क्या था कि उसने नॉर एपिनेफरिन के रिलीज़ को इनहिबिट करना है नॉर एपिनेफरिन अगर रिलीज़ यहाँ पे होगा तो सिंपेथेटिक एक्शन होगा लेकिन हमने क्या किया हमने इसको यहीं पर इनहिबिट कर दिया तो नॉर एपिनेफरिन रिलीज नहीं होगा तो सिंपेथेटिक एक्शन भी नहीं हो पाएगा तो दिस इज मिथाइल डोपाज एक्शन इसका ए क्या है कैसिडेशन डिक्रीज़ ऑफ लिबिडो गाइनेकोमैस्टिया एलेक्टोरिया दिस इज सेफ इन प्रेग्नेंसी फॉर हाइपर टेंशन अब क्या होता है कि टेन टू ट्वेंटी परसेंट पेशेंट्स में जिनको ये मिठाइल डोपा देते हैं उनके अंदर पॉजिटिव कूम टेस्ट आ जाता है कोम टेस्ट क्या होता है कि एंटीबॉ ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं अगर हमारे अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ हों अगेंस्ट आर एच एंटीजन जो कि आर एच एंटीजन जो कि ऑब्वियसली आर बी सीज के ऊपर होता है तो फिर कोम टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है तो ये पॉजिटिव आएगा टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द पेशेंट्स में मे उनमें उन से जो वन टू फाइव परसेंट पेशेंट्स हैं ऑब्वियसली अगर एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ रिएक्ट कर रही है मतलब कि वो जो कॉम्प्लेक्स बना उसे डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा एंटीजन तो एक फ़ौरन ही हम कंसिडर करते हैं ना हमने क्या किया हमारी बॉडी ने ऑटो एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर दी मतलब कि अपने ही एंटीजन के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ तो वो जो चीज़ जब डिस्ट्रॉय होगी फिर हीमोलिटिक अनिमिया आर बी सी डिस्ट्रॉय हो गए ला, उनकी लाइसिस होने लग गई तो दैट विल कॉज अनिमिया तो अगर ये हीमोलिटिक अनिमिया हमें दिखे तो हमें उस ड्रग को डिसकन्टिन्यू कर देना है लास्ट जो एडिया है दैट इज़ हेपेटाइटिस लिवर की इन्फ्लेमेशन होना और एक और बात कि ये जो कुम टेस्ट है अगर हम लोग इसको डिसकन्टिन्यू भी कर देते हैं ये वाली मिथाइल डोपा को तो कुम टेस्ट जो है मतलब एक साल तक भी वो पॉजिटिव रह सकता है मतलब हमने मिठाइल डोपा जो है वो लेनी डिसकन्टिन्यू कर दी लेकिन एक साल तक ये जो कुम्भ टेस्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है हालांकि जो हीमोलिटिक नेमिया है वो कुछ एक दो हफ्तों में वो ख़त्म हो जाएगा लेकिन कुम्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज़ क्लोनिडिन क्लोनिडिन कैसे एक्शन करती है जैसे हमने मिथाइल डोपा में पढ़ा वो टोटल पेरीफिल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगी ये क्या करेगी ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेगी उसमें ब्लड ज्यादा रह सकेगा और टोटल पेरिफिल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी कैसे आर्टेरियोल्स की डायलिशन करके अब इसके अंदर क्या होता है अगर हम लोग इंट्रावीनसली इसे देते हैं इनिशियली क्लोनिडिन क्या करता है वो एक्टिवेट कर देता है एल्फा टू बी रिसेप्टर्स को लेकिन हमें क्या चाहते हैं कि वो अल्फा ए रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करे अल्फा टू जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लड वेसल्स में पोसाइन ऑप्टिक उन्हें जब वो कर देता है तो वो वेजो कॉन्स्ट्रक्शन कर देते हैं मान लो कि ये वाला जो अल्फा टू है ये अल्फ़ा टू ए और ये है अल्फा टू बी तो अगर हमने इसी को स्टिमुलेट कर दिया तो तो वेजो कॉन्स्ट्रक्शन हो ही जाएगी हमें इसको स्टिमुलेट करना है ताकि और अपी रिलीज ना हो तो ये क्लोनिडिन का क्या फंक्शन है कि इनिशियली ये अल्फा टू बी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा जिसकी वजह से वीजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी जो कि पोस्ट सैनेप्टिक है लेकिन अगर लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या करेगा वो एक्टिवेट कर देगा अल्फा टू ए रिसेप्टर्स को जो कि प्री सेनेप्टिक है और ऑब्वियसली उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा ओके okay, तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हाई डोजेस में देते हैं तब ये इनिशियल एक्टिविटी होती है सुपाइन पोजीशन में सुपाइन मतलब जब इंसान लेटा हुआ है सीधा लेटा हुआ है तब तो उसका जो मेजर एक्शन होता है ये क्लोनीटिन का ये हार्ट के ऊपर होता है हमने क्लोनीटिन का एक्शन किया कि उसने सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करना है तो वो हार्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिवली होती है जब वो सुपाइन पोजिशन में होता है क्योंकि जो वैस्क्यूलेशन टोन होती है वो ऑलरेडी लो होती है मतलब कि कॉन्स्ट्रक्शन जो होती है वेसल्स की वो ऑलरेडी लो होती है लेकिन जब इंसान खड़ा होता है तब उसके अंदर जो वेंस है क्योंकि अब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसे वेन्स में से जो ब्लड है उसे हार्ट तक पहुंचाना है तो उसे कॉन्स्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अब जो है सिंपैथेटिक सिस्टम आता है एक्शन में तो अब जहां जब वो एक्शन में आएगा तब हमारा जो क्लोनिडीन है वो उसको इनिबिट करेगा तो अपराइट पोजिशन में क्लोनीडीन जो है वो वैस्कुलेचर टोन के ऊपर एक्ट करेगा अब अगर उसको डायलेट कर देगा मान लो कि वेंस जो है लेग्स की उन्हें डायलेट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, सो दैट इज नोन एज पॉस्ट्रल या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये हमने पहले भी पढ़ा कि अगर वो वेजो डाइलेशन हो वेजो कॉन्स्ट्रक्शन ना हो बिकॉज सिंपैथेटिक सिस्टम को हम इनहेबिट कर रहे हैं तो पॉस्टरल हाइपोटेंशन हो जाएगी सुपाइन पोजिशन में जब हमने हार्ट के ऊपर एक्शन दिया तो उसकी वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी और हार्ट रेट भी कम हो जाएगा क्योंकि सिंपैथेटिक यही करता है ना कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है हार्ट रेट को बढ़ाता है वही चीज़ अगर हम इनिबिट कर दें तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी अब ये जो है हमारा दैट इज़ यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ फीओ क्रोमोसाइटोमा कि अगर हम लोग क्लोनीडिन देते हैं और उसके अंदर एडिन का लेवल जो है वो कम नहीं होता सप्रेस नहीं हो पाता मतलब हम लोगों ने क्लोनीडिन दिया लेकिन उसके बाद भी अगर नॉर्पी नेफ्रिन का जो लेवल है वो सप्रेस नहीं हो पाया वो डिक्रीज नहीं हो पाया तो वो सजेस्ट करता है कि ये एक ट्यूमर की वजह से है नेक्स्ट जो एडियर्स हैं इस सीडिशन हम लोग सिंपथेटिक को इनहबिट करेंगे तो डिप्रेशन तो होंगे साथ में एक जेरोस्टोमिया क्योंकि सैलिवरी गलैंड नहीं हो पाएंगे स्टिमुलेट पोस्ट्रल हाइपोटेंशन ये हमने अभी पढ़ा कैसे होती है पोस्टरल हाइपोटेंशन देन इट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया भी बिकॉज हम लोगों ने सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो इनहबिट किया है हार्ट के ऊपर भी इनिबिट किया है इसीलिए देन लास्ट थिंग इज़ कि हमें ये चीज़ को डिसकन्टिन्यू नहीं करना चाहिए सडनली अवॉइड सडन डिसकन्टिन्यूएशन क्यों क्योंकि इसके अंदर फिर विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं विदड्रॉल सिम्टम जैसे कि हेड एक होना टेकिकार्डिया होना स्वेटिंग होना एब्डोमिनल पेन होना ये सारे जो सिम्टम्स हैं ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स अगर हम क्लोनीडिन एकदम से एब्रप्टली बंद कर दें अगर हम लोग एकदम से एब्रप्टली करते हैं इसको डिसकंटिन्यू तो ब्लड प्रेशर जो है ये ट्रीटमेंट लेने से पहले जितना था उससे भी बढ़ जाएगा ज़्यादा तो इसके ट्रांसडर्मल प्रिपरेशंस भी आते हैं क्लोनेडिन के जो कि हम वंस इन अ वीक ले सकते हैं मतलब ऑब्वियसली लगा सकते हैं पर उसमें स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिलेटेड सो दिस वॉज अबाउट सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स एनी डाउट एंड इफ लाइक वीडियो प्लीज सब्सक्राइब थैंक यू